रीवा के मुख्य शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर लाल गांव में कीटी वाटरफॉल स्थित है। इस झरने को पूरे भारत में 24वां सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। झरने में एक समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता है जो पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करती है। झरने के लिए पानी का मुख्य स्रोत महाना नदी है, जिसे तमसा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी माना जाता है। झरने की ऊंचाई 98 मीटर है। कई स्थानीय लोग हैं जो इस स्थान को पवित्र मानते हैं और वे हर सुबह झरने के किनारे पूजा करते हैं। सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग पीने के पानी के रूप में भी किया जाता है। रानी तालाब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सबसे पुराने पानी के कुओं में से एक है। यह पूरे जिले में सबसे पवित्र जल निकायों में से एक है और शुभ अवसरों के दौरान लोगों को इस स्थान पर जाने के लिए एक बड़ा क्रेज है। यह बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग सिंचाई के कई उद्देश्यों को हल करने के लिए किया जाता है। तालाब रीवा शहर के दक्षिण भाग पर स्थित है। खेती, सिंचाई और मत्स्य पालन वे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कुएँ के पवित्र जल द्वारा की जाती है। कुएँ के पास एक मंदिर है और वहाँ काली देवी हैं। देवी को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि सभी लोग देवता के दर्शन करने के बाद उनकी इच्छा पूरी करती हैं। दिवाली के दौरान हर साल मंदिर परिसर में एक भव्य पूजा होती है, क्योंकि दिवाली से ठीक एक दिन पहले काली पूजा होती है। भारत में बाघों की सबसे घनी आबादी के साथ मध्य प्रदेश की भूमि असाधारण रूप से धन्य है। मुकुंदपुर चिड़ियाघर एक ऐसा गंतव्य है जहां आप बड़ी संख्या में बड़ी बिल्लियों को देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, लायन, पैंथर्स और सबसे अधिक कीमती सफ़ेद टाइगर, जो इस चिड़ियाघर को मध्य प्रदेश में असाधारण वन्यजीव अभयारण्यों की श्रेणी में जोड़ता है। मुकुंदपुर में घने जंगल इन बड़ी बिल्लियों के लिए एक उपयुक्त आवास के रूप में कार्य करते हैं और पर्यटकों को ज़्यादातर व्हाइट टाइगर सफारी के रूप में प्रसिद्ध सफारी राइड पर लिया जाता है। मुकुंदपुर चिड़ियाघर की हरी भरी वादियों में रोमांचकारी सफारी वन्य जीवों के शौकीनों के लिए एक परम मनोरंजन हो सकता है। रीवा के किले को मध्य प्रदेश के रीवा शहर में बने सबसे बेहतरीन किलों में से एक माना जाता है। इसे समृद्ध परंपरा और संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ऐसे कई पर्यटक हैं जो पूरे साल यहाँ आते हैं और अब किला आवास के लिए भी उपलब्ध है। रीवा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक पाने के लिए महल में लोग बहुत प्रभावी कीमत पर रह सकते हैं। ऐसे कई स्थान हैं जो शहर में घूम सकते हैं और रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान रीवा का किला है। किले को सलीम शाह द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था और बहुत बाद में रीवा के महाराजा द्वारा पूरा किया गया था। वर्षों से खोई गई समृद्ध विरासत की परंपरा और संस्कृति की झलक पाने के लिए पूरे साल सैकड़ों पर्यटक किले में आते हैं। चचाई झरना मध्य प्रदेश राज्य के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। बीहड़ नदी इस झरने का स्रोत है, जो तमसा नदी की एक सहायक नदी है। यह झरना रीवा के मुख्य शहर से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना प्रसिद्ध है क्योंकि यह प्रसिद्ध चित्रकूट पहाड़ियों के किनारे स्थित है। गोविंदगढ़ पैलेस का निर्माण रीवा के महाराजा ने 1882 में कराया था। यह महल रीवा शहर से 13 किलोमीटर दूर है। यह महल कुछ खूबसूरत झरनों से घिरा हुआ है, जैसे क्योंटी झरना, चचाई झरना। यह इस स्थान पर है जहां दो नदियां बीहड़ और पिचिया एक साथ मिल जाती हैं। महल बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर के चारों ओर सुंदर वास्तुकला के साथ बनाया गया है। महल में एक भूमिगत सुरंग है जिसे रीवा के राजाओं द्वारा एक गुप्त रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कई मंदिर हैं, जैसे कि चौंडी मंदिर और हनुमान मंदिर, जो पूरे महल में स्थित हैं। महल के अंदर एक संग्रहालय है जिसका एक विशाल इतिहास है। भैरव बाबा की यह प्रतिमा रीवा से लगभग एक घंटे की यात्रा के आसपास गुड़ के पास स्थित है और भैरव बाबा के भक्तों के लिए यह एक श्रद्धालु स्थल है।
यह एक बड़ी मूर्ति है जो क्षैतिज रूप से स्थित है और गुड़ में एक झील द्वारा एक शिव मंदिर के अंदर है। लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तथा झील के पानी को पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग स्थानीय लोग बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं।